दोस्तों नमस्कार, मौसम समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों देश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने से कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और कई राज्यों में मौसम विभाग ने एक बार फिर से रेड अलर्ट येलो अलर्ट जारी किया। तो दोस्तों इसकी पूरी अपडेट बताएंगे कि 24 घंटों के दौरान कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश हो सकती है और कौन कौन से राज्यों में बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दोस्तों देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून जमकर बरस रहा है, वहीं बारिश से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कोहराम मचा रखा है। तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई और वहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए। दोस्तों मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार माने तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट 24 घंटों में जारी किया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है और अगले 3 दिनों तक इन राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 28 जुलाई तक मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात, कोंकण, गोवा में भारी बारिश की संभावना, वहीं पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना एक बार फिर से मौसम विभाग ने जारी की। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मानसून एक बार फिर से अति सक्रिय हो चुका है और ऐसे में चलते हुए उत्तरी भारत के कई राज्यों में और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राज्यों में अगले 2 दिन तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। वहीं दोस्तों एक बड़ी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल, गुजरात और केरल में भारी बारिश का एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कर्नाटक, असम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो दोस्तों इस प्रकार मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने से कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। दोस्तों मौसम विभाग से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।